हेलो व्यूअर्स, दिस इज ज्योतिश्री आपण मानक स्वागत करुच्छी आम यूट्यूब चैनल एडु एनहांस को। आज हेउछि जनवरी 7 तारीख। आसंतु आज रिलेटेड किसी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन करवा। आसंतु देखिवा प्रथम स्लाइड टी कौन अच्छे। फर्स्ट प्रश्न टी अच्छी, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनेर इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day कल्चरल फेस्टिवल नेम्ड उत्तर पूर्व महोत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली ऑन व्हिच डेट। से कहे कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनेर इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day कल्चरल फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट गोटे 5-दिनिया कल्चरल फेस्टिवल ऑब्जर्व करुच्छी जार नाँ अच्छे उत्तर पूर्व महोत्सव इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रे तो कौ डेट रु कौ डेट भितर ऑप्शन अच्छी 1 जनवरी टू 5 जनवरी, 11 टू 15 जनवरी, 13 टू 17 जनवरी ना 20 टू 24 जनवरी। तो मन रखिबे आंसर होची 13 टू 17 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तापर देखिबा द्वितीय नंबर टी, इंडियाज प्रीमियर रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रो हैज यूटिलाइज एन इंडिजिनियस रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज फाट दे डेवलप्ड बाय CSIR या सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन अच्छे रेजुबेब, तापर अच्छे प्राइम टाइम ना ब्राइटसन ना प्रिजाइल। तो आंसर हम रेजुबेब फास्ट ऑप्शन तो करेक्ट आंसर। तब देखिबा तृतीय नंबर टी कौन अच्छी। तीन नंबर अच्छी, नासा हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी आइडियाज इन फेज 1 ऑफ इट्स नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट NISC प्रोग्राम। कोची नासा हैज बीन अनाउंस्ड, नासा अनाउंस करची केतोटी आइडिया फेज 1 ऑफ इट्स नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट NISC रो केतोटी आइडिया को अनाउंस करी। तो ऑप्शन अच्छे 10, 24, 13 ना 15। आंसर हम 13, सी इज द राइट आंसर। तब देखिबा एन लेटेस्ट फेज 1 सिलेक्शन नासा इज फंडिंग 13 फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रिसर्च टीम्स अक्रॉस अमेरिका ग्रांटिंग ईच आइडिया $175,000 फॉर इनिशियल प्रोटोटाइपिंग। तापर देखिबा 4 नंबर, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ए फ्यूल सेल अबोर्ड ए लॉन्च ऑन January 1, 2023 व्हिच रॉकेट PSLV रॉकेट ब्रह्मोस रॉकेट भरन रॉकेट ना अग्नि रॉकेट। तो आंसर इज PSLV रॉकेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो PSLV कौन देखिबा PSLV है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मन रखिबे जहाँ कि आम 3rd generation ऑफ लॉन्च व्हीकल, मतलब लॉन्च व्हीकल 3rd generation। तब टे डिस्क्रिप्शन देखिबा, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विथ हीट एंड वाटर ऑल एसेंशियल फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मानकर नेसेसरी एसेंशियल के फुलफिल करे ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल जे कि जहाँकि इलेक्ट्रिसिटी जेनेट करे अलोंग विथ हीट एंड वाटर से सब स्पेस फ्लाइट मानकर एसेंशियल को फुलफिल करे। तब जीवा नेक्स्ट स्लाइड को, हू हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजिन RDRE दैट कैन पोटेंशियली हाफ ट्रैवल टाइम ऑफ मार्स। से कहे किए कि सक्सेसफुली गोटे रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजिन टेस्ट करी जहाँ पोटेंशियली अच्छी जहाँ कैपेबिलिटी अच्छी कि से मार्स को जिते टाइम लगुला जावाई हाफ करदे तार अधा करदे। तो सी कौ ऑर्गेनाइजेशन टी बनई ऑप्शन अच्छे इसरो नासा USSR ना ग्रेट ब्रिटेन। तो ये आंसर हम नासा।
नासा गोटे रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन टेस्ट करी जहाँ कैपेबिलिटी होउछि कि से मार्स को जिबा टाइम को से अधा कर दउछि। तो नासा नासा हला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर लिख दो छी नासार फुल फॉर्म हैला नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जहार हेडक्वार्टर हेउछि वाशिंगटन डीसी देखे यूएसए। और एटा स्टार्ट हेथिला मन रखिबे स्टार्ट हेथिला केबे एस्टैब्लिश हेथिला मन रखिबे एस्टैब्लिश केबे हेथिला 1 अक्टूबर 1958 मन रखिबे 1 अक्टूबर 1958 ये एस्टैब्लिश हेथिला। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग अयोध्या अंडर इट्स व्हिच प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म करछन्ति अयोध्या को कौन प्रोजेक्ट अंडर रे ऑप्शन अछि देखंतु नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट न्यू अयोध्या प्रोजेक्ट विकसित अयोध्या प्रोजेक्ट इंडिया एट अयोध्या प्रोजेक्ट। तो ये आंसर हम नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट। तो जेहेतु आम उत्तर प्रदेश कथा डिस्कशन तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड किछि आम अधिक जानिबा उत्तर प्रदेश रो कैपिटल है लखनऊ मन रखिबे उत्तर प्रदेश रो कैपिटल है लखनऊ आउ तार हेटी सीएम अछंती एबे योगी आदित्यनाथ। तब देखिबा नेक्स्ट स्लाइड टी कौन अछि व्हिच कंट्री टू होस्ट 19th नाम समिट फर्स्ट देखिबा नाम समिट कौन व्हाट इज नाम नाम देखिबा कौन नाम हैला द नॉन अलाइंड मूवमेंट मूवमेंट जोटा कि फेरम ऑफ इट इज ए फेरम ऑफ मन रखिए इट इज ए फेरम ऑफ 120 कंट्री एंड ऑल्सो 17 कंट्री एज ऑब्जर्वर मन रखिए 120 कंट्री आउ 17 कंट्री होती ऑब्जर्वर। तब देखिबा ऑप्शन अच्छी से कहे कि कौ कंट्री होस्ट कर 19th नाम समिट तो ऑप्शन अच्छी केन्या उगांडा पाकिस्तान ना ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन हम उगांडा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपिटल ऑफ उगांडा उगांडार कैपिटल हूँ कंपाला मन रखिए कंपाला आउ उगांडा रे हेउछि गुटे लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट आफ्रिका रो गुटे लैंडलॉक्ड कंट्री हला उगांडा। तब देखिबा नेक्स्ट स्लाइड टी साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉसिल्स बिलोंगिंग टू ए प्रीवियसली अननोन ग्रुप ऑफ एंशिएंट एक्वेटिक प्रेडेटर नियर ग्रीनलैंड नेम्ड एज टेस कहुछि कि साइंटिस्ट माने रिसेंटली डिस्कवर्ड करछन्ते गुटे फॉसिल जे कि प्रीवियसली गोटे अननोन ग्रुप रे एंशिएंट एक्वेटिक प्रेडेटर माने जलज प्रेडेटर माने शिकारी जंतु ग्रीनलैंड रे से फॉसिलटी डिस्कवर्ड करछन्ते। तो तार ना कौन ऑप्शन अछि टेरर बीस्ट टेरर इंसेक्ट टेरर आंट ना टेरर मंकी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर टेरर बीस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड होती गोटे एंशिएंट एक्वेटिक प्रेडेटर ग्रीनलैंड रु एटा डिस्कवर्ड होती। तब देखिबा तापर प्रश्न अछि ऑन व्हिच डेट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ईसीआई इशूड न्यू गाइडलाइंस मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेटेड अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज
टू प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स फॉर गेटिंग ए कॉमन इलेक्शन सिंबल। से कहुची कौन डेट्रे आम जो अच्छा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इश्यू करू गाइडलाइंस मेकिंग मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेटेड अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानी गोटे न्यू गाइडलाइन हो कौन पाई ना टू प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ताको प्रोवाइड करा हबो एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर गेटिंग ए कॉमन इलेक्शन सिंबल कॉमन इलेक्शन पर्पज पाई गोटे न्यू गाइडलाइन मेकिंग कराई जेटा कि मैंडेटरी कराई रजिस्ट्रेशन कौ मानकर ना अनरेकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मानकर तो एटा केबे कौन डेट्रे इश्यू करा जाइछि ऑप्शन अच्छे जनवरी 5th 2024 जनवरी 6th 2024 जनवरी 4th 2024 ना जनवरी 3rd 2024 मन रखिए आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन जनवरी 5th 2024। तापर देखिबा नेक्स्ट स्लाइड टी तापर अच्छी हु हैज बीन नॉमिनेटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी SSCLSSC सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी एबे किए नॉमिनेट होती न्यू एज न्यू चेयरमैन कौटी ना सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी रो तो ऑप्शन अच्छे जस्टिस बीआर दास ना जस्टिस बीआर गाभाई ना जस्टिस बीआर पाठक ना जस्टिस बीआर वर्मा तो ऑप्शन मन रखिबे जस्टिस बीआर गाभाई एबे अछंती सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी रो न्यू चेयरमैन से देखा अच्छी द इंडियन गवर्नमेंट अंडर होम हैज अप्रूव द पृथ्वी विज्ञान स्कीम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिप्रेजेंटिंग प्लांड इन्वेस्टमेंट ऑफ रेस 4,797 crores फ्रॉम 2021 to 2026 ए पांच वर्ष मध्य गोटे आम इंडियन गवर्नमेंट गोटे स्कीम को अप्रूव कर स्कीम है पृथ्वी विज्ञान तो सी 4,797 crore तो ये कहा द्वारा एटा अप्रूव ऑप्शन अच्छे निर्मला सीतारामन तापर अच्छे पीएम नरेंद्र मोदी तापर अच्छे अमित शाह तापर अच्छे नितिन गडकरी तो यहाँ मन रखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यटा को ए स्कीम टा को अप्रूव कर देखे अच्छे हु एज्यूम द पोजिशन अफ सेक्रेटरी जेनेल अफ द बिमस्टेक किए अच्छा बिमसेट सेक्रेटरी जेनेल पोजिशन ऑप्शन देसी इंद्रमणि पांडे प्रकाश बक्सी स्वर्गत मोतीलाल पांडे ना नरेंद्र मोदी तो एठी आंसर हम इंद्रमणि पांडे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर सी एबे पोजिशन अच्छा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिमसेट बिमसेट कौन एटा हला बिमसेटा कौन बिमसेट कौन एटा होची बे ऑफ बंगाल मन रखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल फॉर ऊपर लिख दूसरे मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन मन रखिए टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोऑपरेशन मन रखिए बिमसेट हैला बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन तब देखिबा तबरे अछि हाईजैक्ड कार्गो शिप एमवी लीला नॉरफॉल्क रेस्क्यूड बाय व्हिच नेवी से कह जो हाइजैक कार्गो शिप थिला एमवी लीला नॉरफॉल्क कहा क्यों नेवी द्वारा रेस्क्यू होती तो ऑप्शन अच्छे इंडियन नेवी ना पाकिस्तान नेवी ना श्रीलंका
ନେବି ନା ଚାଇନା ନେଭି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଇଏ ଥିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ରଖିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।